हेलो फ्रेंड, आज फिर एक नई वीडियो के साथ। देखिए, ये लहंगे का ब्लाउज है और इसमें हमको लगाना है चैन साइड में। ठीक है, तो चलिए आप सबको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम इस लहंगे की ब्लाउज में लगाएंगे चैन। ठीक है, तो चलिए आप सबको बताते हैं कि चैन कैसे लगाएंगे साइड में। देख सकते हो, यहाँ पर हम चैन लगा के आप सबको दिखाएंगे, ये वाला। ठीक है, देखिए यहाँ आगे भी डिजाइन है और पीछे भी डिजाइन है, तो इसमें हुक लगा नहीं सकते, इसके लिए हम यहाँ पर चैन लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप सबको दिखाते हैं किस तरह से चैन लगाया जाता है। तो फ्रेंड, देख सकते हो मैंने चेन को अच्छे से लगा लिया है। उसके बाद इस पर अब हम कर रहे हैं डबल सिलाई, ताकि ये खुले ना और मजबूत हो जाए। देख सकते हो, ऐसे घुमा के एक दो बार सिल लेंगे इस साइड पे, और उसके बाद फिर इसको जहाँ सिले थे उसी पे एक सिलाई और लगा लेंगे इस तरीके से। देख सकते हो, अब यहाँ चेन आ जा रहा है, तो चेन को हम इसको उठा के थोड़ा चेन को कर देंगे पीछे। पीछे करने के बाद सिल लेंगे हम इस तरह से, और जो ये आगे बढ़ा है इसको तुरपाई कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, फाइनली हमारी चेन लग गई है। देखिए, यहाँ से शुरू किए हैं सिलाई, ऐसे करके इधर सिल लिए हैं, फिर ऐसे करके फिर इधर सिले हैं। देखिए, ऐसे सिल के हमने चेन को लगा लिया है बहुत अच्छे तरीके से, देख सकते हो। ठीक है, और ये थोड़ा मोटा है ना फ्रेंड, इसीलिए इसको ऐसे हम लगाए हैं। अगर ऐसे करते तो मशीन चलती नहीं इस पर, तो इसलिए इसको ऐसे छोड़े हैं। सुई धागा से इसको ऐसे अंदर यहाँ पर तुरपाई कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा चैन देखिए बहुत ही प्यार अच्छे से लग चुका है। इसको यहाँ पर ऐसे सिल देंगे और यहाँ पर एक हुक लगा देंगे नीचे, ताकि खुले ना। ठीक है, तो बड़े ही आसानी से आप इस तरह का चैन लगा सकते हैं। देख सकते हैं, लग गया हमारा चैन। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अच्छी से अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड, चैन लगाने के बाद अब हम इसमें लगा देंगे नीचे लेस, जिससे इस ब्लाउज की खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे। तो इस तरह से देखिए, इसमें लेस भी लगाती है, लगाने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो फ्रेंड, ये मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है सिलाई और कटिंग से रिलेटेड,
तो आपसे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और